मुरादाबाद की पागबड़ा की पुलिस ने 2.5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है और साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का ये कहना है कि लगातार सूचनाएं मिल रही थी जिन पर कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद के थाना पागबड़ा पुलिस ने करीब 2.5 लाख रुपए की हरियाणा की अवैध शराब बरामद की है। स्कॉर्पियो गाड़ी सहित 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिसे थाना पागबड़ा पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। मुरादाबाद के SP सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि लगातार पुलिस द्वारा अवैध शराब पर छापेमार कार्यवाही की जा रही है, जिसमें पुलिस को सफलताएं भी मिल रही हैं। थाना पागबड़ा ने सराहनीय कार्य करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 33 पेटी अवैध हरियाणा मार्का शराब बरामद की गई है। इन 3 में से 2 व्यक्ति थाना मैनाठेर के रहने वाले हैं और एक डिडौली अमरोहा का रहने वाला है। इनके पास से एक स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है, जिसके माध्यम से ये अवैध शराब ले जा रहे थे। इसमें विधिक कार्रवाई करी जा रही है।